यहाँ मैं कैमरा ऑन की, स्पर्श को लगा कि मैं रील्स बना रही हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसी को देख के हम लोग यहाँ पे हंस रहे हैं। और प्रियंका अभी कुछ चने वगैरह कुछ खा रही है, भाई भी खा रहे हैं, मैं भी यहाँ पे बैठ के यही खा रही थी और उसके टाइम भी ब्लॉग स्टार्ट करी अपना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सभी। इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं, अभी हो गई हूँ रेडी, आप लोग को देखने को मिलेगा हम लोग क्यों रेडी हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा आप लोग को, होप आप लोग इन्जॉय करोगे इस ब्लॉग को। मम्मी भी अभी तैयार हो रही हैं और मैं ब्लैक कुर्ती डाली हूँ जो मैंने एजियो से लिया था बहुत पहले, मतलब 6-7 मंथ हो चुके हैं। और मैंने स्पर्श को भी ब्लैक कलर का शर्ट डाला है। और हम लोग आज जा रहे हैं डिनर पे, इवनिंग टाइम आई थिंक 5 बजे के बाद का ये क्लिप है। और स्पर्श को मैं नमकीन दी थी चने, तो वो यहाँ पे बेड पे गिरा दिया था। अभी ये वाला बेड बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, सो आप लोग इग्नोर करिएगा। मम्मी भी रेडी हो चुकी है। आज हम लोग का मन बन गया था कि आज हम लोग बाहर चलते हैं डिनर पे। और मेरी कुछ दिन से ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन ये वाला ब्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ, 3-4 ब्लॉग्स हैं मेरे पास, आप लोग के पास जाएंगे। लेकिन इस टाइम पर, करंट इस टाइम पर मैं कोई ब्लॉग बना नहीं रही हूँ। और यहाँ भी हम लोग आ चुके हैं नीचे, ननद भाभी सासू माँ सब लोग, आज हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। स्पर्श तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो बीच बीच में तो बोलता ही रहता है होटल चलो होटल चलो। तो यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा अभी टाइम हो रहा है 5:30, लेकिन जब हम ये निकले थे तो 5:30 हो रहे थे। लेकिन हम आते आते हमें काफ़ी रात हो गई थी क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी देर रुके भी हुए थे। ये रास्ते का क्लिप मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है और स्पर्श मेरी गोद में बैठा हुआ था, मम्मी के पास गया था लेकिन वो मम्मी के पास नहीं रह रहा था, तो मैं बोली कि चलो आ जाओ मेरे पास। थोड़ा बहुत यहाँ मैंने क्लिप बनाया और पापा नहीं जा रहे हैं बिकॉज पापा को ऐसे ना ज़्यादा देर बैठने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और बाहर का खाना वगैरह भी उनको नहीं खाना है, तो बोले कि तुम लोग ले जाओ। और ये सिवान का दुर्गा मंदिर, आप लोग अगर सिवान से होंगे तो पता ही होगा कि ये दुर्गा मंदिर है और उसके बगल में राधे कृष्ण मंदिर। और जो लोग मुझे यहाँ से देख रहे हैं उन लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि मैं इस टाइम पे कहाँ पे हूँ, या गीता प्रेस वगैरह, या काफ़ी ट्रैफिक थी जिसकी वजह से हमें लेट भी हो रहा था। और हम थोड़ा पहले इससे निकल गए थे ना क्योंकि हमें पता था कि वहाँ हम ज़्यादा देर रुकने वाले हैं और मेरे ब्लॉग टाइमली नहीं आ रहे हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था, 3-4 बार मैंने अपडेट किया है इंस्टाग्राम पे और हो सकता है कि आगे भी नहीं आए बिकॉज तबीयत उतनी मेरी ठीक नहीं है। और आज मैं आप लोग को अपने मायके का पूरा जो मार्केट है वो मैं घुमा देती हूँ, दिखा देती हूँ, बिकॉज़ हम लोग इसी मार्केट से होके जा रहे थे, सो आप लोग भी इंजॉय करो। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया स्टाइल बाज़ार। यहाँ पे आप लोग सोचो कि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें बंद हो रही है यहाँ पे बिकॉज़ कोरोना की वजह से, लेकिन यहाँ पे ये 4-5 दिन पहले का ये वीडियो है, मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, सो इस चीज़ को आप लोग माइंड मत करना क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ ओपन था। और अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था, रेड हेवेंस फैमिली रेस्टोरेंट में, जो बिल्कुल जंक्शन के सामने है। और यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ और आई थिंक भाभी भी फर्स्ट टाइम ही आ रही हैं।
और बस अब शुरू हो चुकी है ननद भाभी सासू माँ और भाइयों की मस्ती। और आगे मैंने सोचा कि मैं वॉइस देख के अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँ, बट इतना ज़्यादा म्यूज़िक होता है ना कि रेस्टोरेंट में आपको पता ही है कि म्यूज़िक बजता रहता है, तो फिर मैंने वॉइस ओवर ही किया है बाद में। और थोड़ा बहुत जो मैंने बोल के ब्लॉगिंग किया था फिर उसको भी मुझे म्यूट करना पड़ा। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा मुझे ये रेस्टोरेंट लगा, क्योंकि यहाँ की जो सर्विसिंग थी बहुत ही अच्छी थी और स्पर्श तो इतना खुश था, आप उसके फेस पे स्माइल देख सकते हैं। और रेस्टोरेंट जाने के बाद सबसे बड़ा जो मुश्किल वाला काम मुझे लगता है ना, सेलेक्ट करना है कि क्या क्या खाना है। तो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि मैं नहीं करूँगी, जो आएगा सो खाएंगे। तो भाई लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे थे और ज़्यादा तो हमें था कि नॉनवेज खाना है, क्योंकि मैं तो खा नहीं पाती हूँ। और बस नॉनवेज में भी क्या क्या मंगाएंगे, वेज भी मंगाना पड़ेगा, बिकॉज प्रियंका बिल्कुल भी नहीं खाती है नॉनवेज में, कुछ भी नहीं खाती है वो। तो वेज और नॉनवेज दोनों हमें ऑर्डर करना है। और रिश्वॉश इधर उधर देख रहा था, यहाँ पे पीछे में क्या था ना, जो लड़की यहाँ बैठे हुए थे वो लोग पिज्ज़ा खा रहे थे, और वो पिज्जा खा रहे थे तो इसको ऐसा हो रहा था कि मैं भी जाके और उनका ले लूं, तो मैं इसको बार बार रोक रही थी कि नहीं जाना है। और डिसाइड अभी हो गया था कि हमें क्या ऑर्डर करना है स्नैक्स में, तो भाई अभी ऑर्डर कर रहा था। और यहाँ पे प्रियंका लग रहा है कि गुस्से में है, लेकिन वो गुस्से में नहीं थी, वो सीरियसली होकर कुछ मोबाइल में देख रही थी। लेकिन आप लोग ऐसी, क्योंकि आप लोग कमेंट जो करते हो ना वो पहले पता चल जाता है, तो इस चीज़ को आप लोग मत बोलना। और देखिए स्पॉइज की मस्ती, और वो इसका ना पूरा ध्यान था, सामने ट्रेन है, जंक्शन है, तो वहाँ से ट्रेन आ जा रही थी, तो पूरा ध्यान स्पॉइज का उसी साइड में था, और बार बार वहाँ पर ना यहाँ से उठ के चला जा रहा था देखने के लिए। तो वो बहुत दिनों बाद ट्रेन भी देख रहा था, इसके बाद उसको ट्रेन पे बैठने के लिए भी मिली। Thank you.
और अभी हमारे स्नैक्स आ चुका है, तो स्नैक्स में बताती हूँ कि क्या भाई ने ऑर्डर किया था। बेबी क्रिस्पी कॉर्न ये है, और उसके बाद नूडल्स तो मेन होता है, हम कहीं भी जाते हैं नूडल्स खाना पड़ता है, बिकॉज पॉश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो नूडल्स भी हमने ऑर्डर किया था। और हमने नॉनवेज में ये डिसाइड किया था, मुझे चिकन लॉलीपॉप खाना था और भाई को भी खाना था, बहुत ही टेस्टी लगता है, सो चिकन लॉलीपॉप भी ऑर्डर हुआ था। तो भाभी तो नहीं खाने वाली हैं, बाकी हम सब लोग नॉनवेज खाते हैं, तो फाइनली चिकन लॉलीपॉप भी आ चुका है। और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर यहाँ पे कर रहे हैं डिनर। तो डिनर में हमने मंगाया था, नान था, बटर नान था और चिकन बटर ऐसा कुछ था, और फिर बिरयानी था, ये सारी चीज़ें थी, और भाभी के लिए पनीर बटर मसाला था। तो ये सब हम लोग खा रहे हैं। और जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, और होली के टाइम पे स्पेशली, तो जब पूरी फैमिली इकट्ठी होती है ना, तो ऐसे थोड़ा सा बाहर जाना और डिनर करना थोड़ा अच्छा भी लगता है। इसके बाद फिर पता नहीं कब मिलेंगे, कितने महीनों बाद मिलेंगे, इसी वजह से थोड़ा सा घूमना फिरना भी हो जाता है, मस्ती हो जाती है। और स्पॉश अब नहीं खा रहा था क्योंकि उसका पूरा पेट फूल हो चुका था, उसने बिरयानी तो बिल्कुल ही नहीं खाया। और अभी हम लोग घर पहुंच गए, और घर पे आने के बाद हम लोग को होश नहीं थे क्योंकि हम लोग सब लोगों ने इतना ज़्यादा खाना खाया था ना, कि इसके बाद तो सबको ऐसा लग रहा था कि सो ही जाएं। इधर उधर सब कोई लेट रहा था। यहाँ पे स्पॉश पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसी रूम में अभी बैठने के लिए आए हैं और बातें कर रहे हैं। और यहाँ पे बातें चल रही थी मेरे सामान को देख के, क्योंकि कितना बोल रहा था भाई कितना सामान लेके आई, मैं वही सामान लेके नहीं आई यहाँ पे, ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है 3 बैग तो लेके आती हूँ मैं, और 3 बैग से इस बार बहुत ही ज़्यादा सामान मेरा हो गया था, तो वही मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं लेके कैसे जाऊँगी और कैसे ट्रेवल करूँगी इतने सारे सामान लेके। स्पर्श यहाँ पे बोल रहा था सुला दो और पापा से बात करना है, तो इनसे अभी ना बात नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ ये ऑफिस से नहीं आए हुए थे इसी वजह से। और ये जब शाम को ऑफिस से आते हैं, तो बीच बीच में जब वो ऑफिस से आते हैं, तो मैं इसको ना ये रस्ते में वीडियो कॉलिंग करके स्पर्श को बस ट्रक दिखाते हैं, ऑटो दिखाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो रहा था। फिर भाई ने बोला था कि मैं चोकोपाई दूंगा, तो वो खुश हो गया।
यहाँ पे ननद भाभी की बातें चल रही थी। आप लोग जो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स के बारे में बातें हो रही थी और बहुत ही हंसी भी आ रही थी, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल यूनिक होते हैं। तो वो सब बातें करके हम यहाँ पे हंस रहे थे। और आगे का मैं सोच रही थी कुछ इंटरेस्टिंग सा आप लोग को वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, होप आप लोग को पसंद आएगा। तो आगे आप लोग को बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलने वाले हैं, सो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। बस मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है इसी वजह से, और उसी के बारे में डिसाइड कर रहे थे कि अभी हम क्या वीडियो बनाए। हेलो करो इसमें है तो स्पर्श मामी से हेलो करो इसमें है इसमें स्पर्श मामी से हेलो करो मामा जी से हेलो करो एक्चुअली भाई से स्पर्श ना बहुत ही ज़्यादा डरता है, जब से वो आया है तब से डर रहा है। लास्ट टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे ना हेलो करता है। कितना भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हेलो करो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं। तो चलिए मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं।